अखाड़ा में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां राजस्थान कांग्रेस में मची कलह पर कांग्रेस पर्यवेक्षक अजय माकन का बहुत बड़ा बयान। बोले बैठक में नहीं आना अनुशासनहीनता है, विधायकों को विधायक दल की बैठक में जरूर आना चाहिए था। विधायकों ने तीन शर्तें रखी हैं, 19 अक्टूबर के बाद फैसला चाहते हैं विधायक। इतना ही नहीं, अजय माकन ने साफ कर दिया कि फैसला लेने से पहले सभी लोग गो से बात होगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजय माकन ने अशोक गहलोत से ही मिलने से इनकार कर दिया। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पर्यवेक्षकों से मिलने गए थे, लेकिन गहलोत से अजय माकन ने मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि अजय माकन का मानना है कि उनका अपमान किया है विधायकों ने, उनसे अनुशासनहीनता दिखाई है, और कहीं ना कहीं ये अशोक गहलोत के इशारे पर ही हुआ है। अरुण सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुण, यहाँ तो कांग्रेस में ही इतने गुट बते हैं कि कांग्रेस ही टूटता हुआ दिख रहा है, देश कैसे जुड़ेगा? यहाँ बताइए, अशोक गहलोत से क्यों नहीं मिल रहे अजय माकन? देखिए, अशोक गहलोत जैसे ही होटल पहुंचे, अजय माकन होटल से निकल गए और ये कहते हुए निकले कि मैं क्यों मिलूं अशोक गहलोत से, मैं क्यों उनसे बातचीत करूं, खड़गे को करना है तो खड़गे बातचीत करें। और इस वक्त अशोक गहलोत के साथ खड़गे की मुलाकात चल रही है, लेकिन अजय माकन ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर है कि अजय माकन इतने नाराज़ हैं, इतने निराश हैं अशोक गहलोत से कि उन्होंने मिलने तक से इनकार कर दिया। इसके पहले जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, बहुत करीबी हैं मुख्यमंत्री के, अशोक गहलोत के, पिछले 3 घंटे से वो मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन अजय माकन नहीं माने। और ये भी दिखाता है कि आला कमान का मूड कैसा है, क्योंकि वो आला कमान के प्रतिनिधि थे। सोनिया गांधी ने उनका स्पष्ट निर्देश दिया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की संभावना तलाशे, इस बाबत जितने भी विधायक हैं उनसे बातचीत करिए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने फैसला सुना दिया था और कह दिया था कि उनको बना देना है, लेकिन इशारा जरूर था। और जब कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाई गई, अशोक गहलोत से पूछकर बुलाई गई, जहां उन्होंने कहा वहां बुलाई गई, जितने बजे कहा उतने बजे बुलाई गई, और उसके बाद अलग बैठक करना, ये भी आलाकमान को नागवार गुजरा है। और अजय माकन का मूड साफ दिखा रहा है कि अशोक गहलोत के लिए आने वाले दिन में मुश्किल बढ़ने वाली है। अगर डैमेज कंट्रोल बहुत जल्दी भी है जाता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। अरुण, इसकी एक पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि यह है कि इससे पहले भी अजय माकन आ चुके हैं राजस्थान, इससे पहले भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सुलह करवाने की कोशिश कर चुके हैं अजय माकन, और इससे पहले भी इसी तरह अशोक गहलोत ने उनका अपमान किया था और अशोक गहलोत के खेमे से विधायकों ने उनके साथ अनुशासनहीनता का प्रदर्शन किया था। ये पहली बार अजय माकन के साथ ये ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है? देखिए आनंद, निश्चित रूप से सही बात है, लेकिन इस बार अजय माकन जो आए थे वो सिर्फ प्रभारी की हैसियत से नहीं आए थे, वो सोनिया गांधी के दूत की हैसियत से भी आए थे। और अगर कोई दूत किसी वार्तालाप के लिए जाता है तो उसको माना जाता है कि वही व्यक्ति खुद वहां पर हाजिर है। वो एक मैंडेट लेके आए थे, वो एक गाइडेंस लेके आए थे सोनिया गांधी से, और जिस तरह से उनसे मिलने से विधायकों ने इनकार कर दिया, विधायकों ने कहा कि हम आपसे अलग अलग नहीं मिलेंगे, विधायकों ने कहा कि हम सीएलपी की मीटिंग में नहीं आएंगे, और जब उन्होंने अशोक गहलोत से बात की तो अशोक गहलोत ने हाथ खड़े कर दिए ये कह के कि मेरा वश नहीं इन विधायकों पर है, ये इनकी स्वतंत्र सोच है, जो कुछ भी वो निर्णय ले रहे हैं उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। इसका मतलब आला कमान को और अजय माकन दोनों को ये लगा कि ये जो अपमान उनका हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अशोक गहलोत इशारा कर रहे थे, बिना उनके इशारे के इस तरह की अनुशासनहीनता नहीं होती। और इसीलिए सवेरे आपने देखा कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो विधायकों का व्यवहार था यह स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता है, क्या कार्रवाई करनी है यह आला कमान तय करेगा, जब रिपोर्ट वो दे देंगे। तो आप देखिए कि दो पर्यवेक्षक आए, एक अभी भी होटल में है, वो अभी भी अशोक गहलोत से बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पर्यवेक्षक जो महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि वो प्रभारी भी हैं राज्य के, चीजों को समझते हैं, वो मिलने से इनकार करके और सीधे एयरपोर्ट चले जाते हैं। दोनों की फ्लाइट 2:20 पर थी, एक चला जाता है और एक अभी भी बात कर रहा है। जी, एक रुक गया क्योंकि वो तो पुराने सहयोगी है, सीनियर लीडरशिप में गिने जाते हैं खड़गे साहब और अशोक गहलोत, उनकी मित्रता भी है, तो कहीं शिष्टाचार की वजह से तो नहीं मिल रहे हैं, और उनकी तरफ से क्या रिले किया जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अनुशासनहीनता पर अजय माकन क्या बोले पहले ये सुना देते हैं दर्शकों को। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है, जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कर। अब राजस्थान के इस विधायक मंडली में कम से कम 80 से 90 विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं। अशोक गहलोत, अरुण, उनका कहना था कि तुम आपको मिलना है मिलिए, लेकिन ग्रुप में मिलिए, एक एक करके ना मिलिए। अजय माकन का कहना है जब एक एक करके मिलूंगा तभी तो स्वतंत्र विचार कहेंगे। दूसरी बात यह है, अशोक गहलोत की तो बात सही है, आला कमान को वो मैसेज भेज रहे हैं कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस में सेंटर पे कुर्सी पर प्रेसिडेंट जो बने वो आपका आदमी बने,
मैं चाहता हूं कि अगर मैं राजस्थान की गद्दी छोड़ रहा हूं तो मेरा आदमी वहां बैठे, वो गोविंद सिंह दुतासरा है। अब आपको पता है कि दोनों का 36 का आंकड़ा है, अशोक गहलोत का और सचिन पायलट का। और अशोक गहलोत तो ये ठान चुके हैं, पहले कह भी चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, न्यूज 18 से बातचीत में ही कही थी, आपको याद होगा, आपसे भी बातचीत हुई थी, तब कहा था कि कोई भी बन जाएगा लेकिन सचिन पायलट को नहीं बनने दूंगा। निश्चित रूप से देखिए आनंद, ये पहले दिन से क्लियर है अशोक गहलोत के मन में, ये पहले दिन से क्लियर है कि किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। उसकी वजह है, उनके अपने तर्क हैं, उनके अपनी बातें हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर हमारी सरकार गिराने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी, आधे रास्ते चले गए थे, विधायक लेके चले गए थे, अगर 20 की जगह 30 विधायक इनके पास होते तो आज हम ना मुख्यमंत्री होते ना सूबे में कांग्रेस की सरकार होती। उनके अपने तर्क हैं और उन तर्कों पर वो कायम है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को, नेतृत्व को यह भी देखना है कि अगर अशोक गहलोत दिल्ली जाते हैं तो कहीं ऐसा ना दिखे कि वो जरूरत से ज्यादा पावरफुल हो जाएं। अशोक गहलोत अगर बन जाएंगे अध्यक्ष तो अशोक गहलोत खुद फैसला लेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद पर बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अशोक गहलोत अध्यक्ष तय करेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे या उनका कोई रिप्लेसमेंट आएगा, और ये एक बड़ा पावर सेंटर बन जाते वो। तो ये भी देखना होता है पॉलिटिकल पार्टी में कि कोई एक पावर सेंटर ऐसा ना बन जाए जिसके आगे सब लोग फीके पड़ जाएं। और खासतौर से पार्टी जो दशकों से, या यूं कहे कि कई दशक से जो लोग पार्टी चला रहे हैं, वो किसी एक व्यक्ति को इतना ज्यादा महत्व या उसकी महत्वाकांक्षा को इतना ज्यादा प्रश्रय नहीं दे सकते। अशोक गहलोत उसके अध्यक्ष बन जाने के बाद अगर पद नहीं छोड़ते तो फिर कौन उनको छोड़ने के लिए कहता, क्योंकि वो तो पार्टी के सर्वोच्च पद पे खुद विराजमान है और वो खुद संविधान बदल सकते हैं, उनके लोग संगठन में आ जाते। ये बात कांग्रेस को जच नहीं रही थी, इसलिए उनसे कहा गया कि नामांकन भरने से पहले इस्तीफा दे दीजिए। अशोक गहलोत ने तो साफ दिखा दिया कि आप किसी को भी दूध बनाकर बेच दीजिए, माई वे होगा या फिर हाईवे होगा। उधर पर्यवेक्षकों ने ऐसे बात करते हुए कांग्रेस के गहलोत गुट के विधायकों ने तीन शर्तें रखी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाने की मांग की गई है। तो ये पहली बात, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये हमेशा से अशोक गहलोत ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि कोई भी बन जाए मेरी जगह। अशोक गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट को कभी नहीं बनने दूंगा। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गहलोत गुट के विधायकों ने तीन शर्तों को मानने का दबाव बनाया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये तीन शर्तें क्या है जो गहलोत गुट ने रखी है और पर्यवेक्षकों ने क्या जवाब दिया है। सबसे पहली शर्त ये थी कि कांग्रेस अध्यक्ष को मिले सीएम चुनने का अधिकार, तो यानी कि जब अशोक गहलोत सीएम कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए तो वो डिसाइड करें कि सीएम कौन होगा। ये हितों का टकराव होगा, ये पर्यवेक्षकों ने कहा है कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हो, वो कैसे डिसाइड कर लेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष के निर्णय के बाद आप सीएम की बात करें। दूसरी बात उन्होंने कही कि गहलोत गुट के विधायकों ने यह कह दिया है, दूसरी बात कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, गोविंद सिंह दोतासरा को ही आगे कर रहे हैं अशोक गहलोत, और कह रहे हैं आप किसी और को बनाना चाहते हो बनाओ, बट सचिन पायलट और उनके 18-20 एमएलए जो उनके समर्थक हैं उसमें से नहीं। पर्यवेक्षकों ने कहा कि देखिए 1-to-1 बात करेंगे, एमएलए की सहमति से होगा फैसला, लेकिन हम सबसे 1-to-1 बात करेंगे, ग्रुप में नहीं, सबकी स्वतंत्र भावना सामने आए। तीसरी शर्त गहलोत गुट ने रखी, यह कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए और आप किसी को भी बना लीजिए। तो विधायकों से ग्रुप में मिले, एक एक करके नहीं, उन्होंने कहा एक एक करके मिलेंगे। फिर यह कहा देखिए सचिन पायलट को ना बनाए, बोले कि एमएलए की सहमति से ही फैसला होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि एनीवन बट सचिन पायलट, ये गहलोत गुट का कहना है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान कांग्रेस में मची कलह पर बहुत बड़ा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, कांग्रेस में ना दिशा है ना नेता है। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया, और सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज ही नहीं है, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां पहले ही कानून व्यवस्था ना के बराबर है, वहां पर ऊपर से ये कांग्रेस की लड़ाई ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी प्यारी है, जनता की सेवा नहीं। करना चाहते हैं लेकिन ग्रुप्स में मिलना चाहते हैं तो विधायक दल है, वो दबाव बनाना चाहते हैं तो बैठक में नहीं है। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे एक प्रक्रिया जरूर पता है कि जब 2018 की पीसीसी में मीटिंग हुई थी तो अविनाश पांडे जी और केसी वेणुगोपाल जी एक एक विधायक से एक एक मिले थे, तब किसी ने ये दबाव नहीं बनाया था कि ग्रुप में मिलिए। अब आपने भी एक एक से मिलना चाहिए। मैंने कल भी की थी और आज भी की। 19 अक्टूबर को ये ऐसी बात जो उन्होंने कही
नहीं कुछ नहीं, मैंने मेरी रूटीन बात रखी कि हम सीएलपी की मीटिंग में आए थे। क्या उनसे आपसे पूछा कि आप पायलट को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं इस प्रकार के कोई प्रश्न मुझसे नहीं। 1998 में भी एक लाइन का प्रपोजल रिजोल्यूशन पारित किया गया, फिर आप क्या दिक्कत आ गई? मुझे नहीं पता, लेकिन 1998 की मैं बात बता दूं, 10वीं की छात्रा थी, कॉन्टेसा गाड़ी थी, मैं उस गाड़ी में साथ गई थी। पीसीसी में जब एक लाइन का प्रस्ताव स्वर्गीय परशुराम जी मदेना ने माइक पे पारित किया था, तब मैं वहीं खड़ी थी, और पारित करके वो नीचे उतर के गाड़ी में बैठकर आ गए थे, और सारे एमएलओ को ये कह दिया था कि क्यों नहीं करेंगे आप, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो डिसाइड कर दिया वो सर्वमान्य है, और अंतिम सांस तक हमारे साथ क्या बीता 10 साल के अंदर ये आपने देखा। आप मुझे नहीं पता क्या है 10 साल में मेरे परिवार के साथ क्या बीता, हर सितम हमने सहा, आपने देखा, लेकिन कांग्रेस की निष्ठा के प्रति इन तीन